यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। योगी सरकार के सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की तो डॉक्टरों के नर्सिंग होम खोलने पर बैन लगाया है, लेकिन ऐसे में डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी अब दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके डॉक्टर सरकार के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। डीएम माला श्रीवास्तव को श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल में फिजिशियन के पद पर तैनात डॉक्टर अरविंद कुमार से के सिविल लाइन रोड पर अवैध नर्सिंग होम संचालन की शिकायत मिली थी। इस पर डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर योगिता जैन को छापामारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर रोड पर अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी कर उसे सील किया गया। नर्सिंग होम का संचालन जिला अस्पताल में तैनात सरकारी डॉक्टर कर रहा था। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम में कई रोगी भर्ती मिले। जांच में सामने आया कि नर्सिंग होम में बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर भी चल रहा था। तो वहीं जैसे ही डॉक्टर को छापेमारी की सूचना मिली, वो नर्सिंग होम से फरार हो गया। फिलहाल नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है और संचालक डॉक्टर को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर ताज नगरी आगरा में एक बार फिर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल पूरा मामला एक विवादित जमीन से जुड़ा है, जो दो गुट आपस में जमीन को लेकर लड़ भी चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने मामले पर फैसला आने तक जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उसी जमीन पर अपनी शाखा लगाने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोकना चाहा, जिसके बाद में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो इस जगह पर पहले से शाखा लगाते आए हैं, इसलिए उन्हें यहां शाखा लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बवाल के बीच घंटों तक सड़क जाम रही और जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ा।